अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? आज का टॉपिक उठाने लगा हूँ जो कि काफ़ी कॉमन टॉपिक है। असल में टॉपिक्स वगैरह मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, आप लोगों की तरफ से फीडबैक भी मिलता है कि भाई इन इन टॉपिक्स पे बनाए, तो मैंने कोई ना लगभग 50+ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द लाइफ से उठा लिए और इंसानी लाइफ पर इनके क्या अफेक्ट आते हैं उसको देखते हुए मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। आज का बहुत कॉमन टॉपिक है, यूथ में काफ़ी कॉमन है, वहम, डाउट, शक, ठीक है, आगे नहीं बोलूँगा, यू ऑल नो व्हाट द व्हाट इट इज। अच्छा जी, बेसिकली समझें वहम क्या है। आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, और उस आपने उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि आपने बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कह दिया कि भाई जान मैं ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एसईओ स्ट्रेटजिस्ट की एग्जाम्पल देता हूँ। बॉस ने एक एसईओ स्ट्रेटजिस्ट को काम बोला कि भाई इन इन कीवर्ड्स के ऊपर तुमने कंटेंट को रैंक करना है, वेबसाइट को रैंक करना है। उसने उसकी अवेलेबिलिटी, कंटेंट के कीवर्ड्स की अवेलेबिलिटी चेक की, उसने कंपटीशन चेक किया, हाई कंपटीशन है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि उसको ये कंटेंट इस कीवर्ड में ना वेबसाइट नहीं रैंक हो सकती। अब वो चूँकि उसने देख लिया, पढ़ लिया, आरएडी कर ली, उसके माइंड में वहम बन गया, एक इल्यूजन आ गई, कन्फ्यूजन आ गई कि यार ये मैं नहीं कर सकता। अब उस वहम से उसके माइंड में नेगेटिव बिलीव्स आ गए, ठीक है। बिलीव जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, नेगेटिव वाइब्स भी आती है। उसको चूँकि वहम हो गया, वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, उसने कहते आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। अब वो जो मर्जी कर ले भाई वो नहीं कर सकेगा, वो रैंक भी नहीं कर सकेगा। मैंने काफ़ी साइट्स को रैंक किया है, काफ़ी कीवर्ड्स पे रैंक किया है, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, इवन हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे भी रैंक किया है। मैं ये नहीं देखता यार कंपटीशन ज़्यादा है तो रैंक नहीं हो पाएगा, मैं वे निकालता हूँ यार कि मैंने रैंक करना है, मेरे दिमाग में गोल है, मैंने करना है, मैं कर दूंगा जो मर्जी हो जाए। पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेके आए, चीज़ों को ओन कीजिए, ये वहम, कन्फ्यूजन, इल्यूजंस कुछ नहीं होते हैं, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आपने फोकस रहना है एक चीज़ पे, फोकस रहिए, ये आपका विजन है, आपने इसको अचीव करने के लिए क्या मिशन रखना है, फोकस रहिए उसको। व्हेन यू आर फोकस्ड तो जो मर्जी हो जाए ये वहम, कन्फ्यूजन, शक वक ये नहीं काम करते, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस्ड, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन। मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ मोटिवेशन पे, मुझे मेरा खुद का जो मेरी मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। मैं किसी से मोटिवेशन नहीं लेता, आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, ठीक है, बट मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता। मैंने बचपन से किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुना यार, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं फैमिली के साथ रहा हूँ, फैमिली मुझे बताती थी चीज़ें, उन्होंने गाइड किया, मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, मुझे वहाँ से बेहतरीन गाइडेंस मिलती है। तो मैं क्यों किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनूँ जाके? लोग कहते हैं ये कासिम अली शाह साहब के मुझे बड़ी वीडियोज़ वगैरह आती हैं, भाई वो चार्ज करते हैं आपसे, वो आपसे मोटिवेशन लेक्चर्स देने के सब कुछ करने के चार्ज करता है। ही इज़ रनिंग वेरी गुड ब्रांच ऑफ स्कूल्स, वो माशाल्लाह काफ़ी अमीर बनते हैं यार, बट वो आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। मेरा मानना है अगर किसी को कुछ सिखाना है, मोटिवेशन भी देनी है, तो यार ये चार्ज ना करो। दैट इज़ समथिंग, ये लर्निंग विद उमर फहीम, ये मैंने इसलिए रखा है कि यार चार्ज नहीं करना, ये मेरा पैशन है। समटाइम्स योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, बट जिस प्रोफेशन के अंदर आपका पैशन है तो प्लीज़ नेवर चार्ज ऑन दैट, ठीक है। प्रोफेशन, पैशन पे कभी किसी को चार्ज ना कीजिए। प्रोफेशन में मैं चार्ज कर लेता हूँ लोगों को, जहाँ से मैंने चार्ज करने प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं कर लेता हूँ, एसईओ के कंपनीज वगैरह के इंटरनेशनल गुरुओं को चार्ज कर लेता हूँ, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, पैसे मैं बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। जब सिखाने की बात आती है और अपने बच्चों को सिखाने की बात आती है तो फिर उस पर मैं चार्ज नहीं करता। सिखाना तो फ्री है ना यार, मकसद क्या है, किसी को सिखाओ तो फ्री में सिखाओ यार, पैसे ले कर सिखाना क्या सिखाना। एनीवेज, तो ये जो बात है ना वहम की, आई कैन डू इट, ये अपने दिमाग से निकाले, प्लीज़ अपने ऊपर हावी ना कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ वी ह्यूमन बींग्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन अर्थ, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है भाई, वी नहीं भेजा, अल्लाह ताला को भी पता था कि ये मेरा, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आप इंसान को बना रहे हैं, वो दुनिया में जाके फसाद बर्पा करेंगे, अल्लाह ताला को तो पता था ना, उन्होंने कहा नहीं इसमें से अच्छे इंसान भी होंगे जो जाके मेरा नाम जिंदा करेंगे, तौहीद जिंदा करेंगे, अकीदत शो करेंगे, हर चीज़ शो करेंगे, इस्लाम को जिंदा करेंगे। हम ऑब्वियसली फरिश्तों जैसे कभी भी नहीं हो सकते भाई, हमारा वो लेवल ही नहीं है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम गुनाहगारों में भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो अच्छा काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बात पर खुश होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला लाजमी फरिश्तों को कहते होंगे फरिश्तों ये देखो बेशक वो 10 लोग बुरे हैं लेकिन वो एक इंसान अच्छा भी तो है ना, वो नमाज़ अदा कर रहा है, रोज़ा कर रहा है, या जो भी कर रहा है उसका मन है, लेकिन वो अदा कर रहा है मेरी रज़ा को, मेरी रज़ा के लिए कर रहा है।
तो प्लीज़ ये भी दिमाग से निकालें कि अगर 10 लोग ही एक चीज़ करें तो उसका मतलब है कि अगर एक इंसान वो दूसरी चीज़ करे तो उसका मतलब वो 10 ठीक है और एक गलत है। अब ये हो रहा है भाई, वी आर लिविंग 21st सेंचुरी, 10 लोग गलत कर रहे हैं तो एक बंदा अगर सही कर रहे हैं तो उसका मतलब कतन ये नहीं कि 10 ठीक है। रीज़न पर आगे ना कि एक ज़माना आएगा, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से बहुत कम लोग बचेंगे जो सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, और दूसरे जो होंगे जो झूठा होगा उसको माशाल्लाह उसकी इतनी शान और शौकत होगी, इज्जत होगी, और जो सच्चा होगा ईमानदार होगा उसे जूतियाँ मारी जा रही होंगी। और यकीन कीजिए यार, ये सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी, सच्चाई ऑनेस्टी लॉयल्टी एंड ये ईमानदारी, ठीक है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है। यकीन करें मुझे 5 साल हो गए जॉब करते हुए, अल्लाह पाक का शुक्र है। लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट जॉब में भाई रिश्वत वगैरह होती है, ये वो चीज़ें होती हैं, मैं कहता हूँ बस ये प्राइवेट जॉब में भी होती है। रिश्वत का मतलब ये नहीं कि खाली किसी से पैसे ले लो। अगर 9 घंटे जॉब करने जा रहे हो ऑफिस में और 9 घंटे में तुम 2 घंटे ही काम कर रहे हो, बाकी 7 घंटे तुम कोई गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेरे लिए वो भी रिश्वत है। क्योंकि अपने 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 अल्लाह ताला तो आपको देख रहे हैं ना उस टाइम, वो आपको शायद आपका बॉस नहीं देख रहा होगा, खुद को तो धोखा दे रहे हो ना, पैसे हलाल करके नहीं खा रहे, मेरे लिए वो भी रिश्वत है। अल्लाह पाक का शुक्र है 5 साल हो गए हैं, अल्लाह पाक का एहसान है, करम है, मेरे पेरेंट्स की अच्छी तरबियत का नतीजा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत इज्जत है यार। काम पे मैं परफेक्ट हूँ, ऑफिस में हूँ, जो काम करूँ, जो उठा लिया, जो पकड़ने का, मेरे बॉसेस को पता है ऐसे जो काम दे दिए ये जब तक ख़त्म नहीं होगा उसे छोड़ने वाला नहीं, ये उठेगा नहीं वहाँ से, ये मेरे रिजल्ट हैं जो मैं शो करता रहता हूँ उनको, सर ये चीज़ मैंने अचीव की है, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ये बंदा ये काम कर सकता है। दैट इज़ हाउ यू मेक यू रियलाइज अदर पीपल कि यार यू आर गुड इन दिस, दैट इज़ हाउ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, दैट इज़ हाउ यू शो योर रिजल्ट्स टू द पर्सन इन सिटिंग बिसाइड यू। ये ज़रूरी है यार, जॉब में ज़रूरी रिजल्ट्स लाना ज़रूरी है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो आपको रिजल्ट्स के बारे में रख ले। और देखो ना लॉजिकली देखो, वो भी आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं, तो आपने भी इन रिटर्न उनको रिजल्ट्स को ला के दे रहे हैं, सेल्स में तो सेल्स ला के दोगे, मार्केटिंग में तो उनको पोजिशनिंग अच्छी क्रिएट करके दोगे, STP करके दोगे, कस्टमर ला के दोगे, ट्रैफिक ला के दोगे, बिजनेस में तो बिजनेस डेवलप करके दोगे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ करना है, गिव एंड टेक रिलेशन है, ये आपको करना पड़ता है। तो ये प्लीज़ अपने माइंड से वहम इल्यूजन्स कन्फ्यूजन्स निकाल दें, ये सब डाइवर्ट करते हैं आपको। और माशाल्लाह हमारी यूथ ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, मैं देखता हूँ भाई ट्रैक पे लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फोकस्ड आप लोग हैं, लेकिन अभी आपका ध्यान बटा हुआ है, आपका डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक चीज़ पे फोकस फौरन उस टाइम के लिए फोकस होकर थोड़ी देर बाद ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, व्हेन इट कम्स टू पाथ सिलेक्शन या बीइंग फोकस्ड, वहाँ पे हमारा ईमान शायद डगमगा जाता है कि हम उतने फोकस नहीं काम करते, क्योंकि इनर वाइब्स नहीं आती यार, मोटिवेशन नहीं आती, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन नहीं करते। मैं कॉम्पिटिशन के लिए कहता हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कल के पास से मेरा आज का प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए, मौजूदा मेरा आज का मौजूदा जो मौजूदा प्रेजेंट जो है वो मेरे आने वाले मुस्तकबिल जो है मेरा आने वाला मुस्तकबिल मेरे आज के मौजूदा से अच्छा होना चाहिए। पास प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस पढ़े ना, पास टेंस फ्यूचर प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस, वो यही तो है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इल्यूजन्स को निकालो दिमाग से यार, ये समझो ये माइंड जो है बड़ी कमाल चीज़ है, अगर दिमाग में ये बैठा लोगे ना आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर सकते यार, जो मर्जी कर लो, दुनिया की कोई भी कोई ताकत ले आओ आपको फिर आपसे काम नहीं करवा सकती। और जब शुरू से सोचा मैंने कि मैं कर सकता हूँ, इसमें मुश्किल क्या है भाई, ये तो कर लूँगा, इसमें है क्या मैं कर सकता हूँ आई कैन डू इट, तो वो काम कर जाओगे। कैन डू एटीट्यूड, ओनरशिप, डेडिकेशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट, फोकस्ड, सेल्फ मोटिवेशन, खुद से मोटिवेशन करना है, अपने कल से आज बेहतर है, आने वाला मुस्तकबिल मेरे आज से बेहतर है, ये सोचने हैं, इन लाइंस पे काम कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद ही वर्कआउट कर देंगी, मुझे शक जो हो गया, कन्फ्यूजन जो होगी, वहम जो होगी खुद ही ख़त्म हो जाता है माइंड से। नेगेटिव पता है क्या, जो नेगेटिव बिलीव है ना वो कुछ भी नहीं करते, वो इजीली आपको डाइवर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव बिलीव के लिए आपको एक्शन करना पड़ता है यार, ये बहुत मुश्किल काम है, पॉजिटिविटी लाना बहुत मुश्किल काम है अपने अंदर, वो भी आज के इस 21st सेंचुरी में जहाँ पे हर चीज़ ही कैओस हुआ है, हर कोई कंफ्यूज है, किसी की मदद करते तो वो सोचता है यार किस फ़ायदे से मदद कर रहे हैं, इंसानियत ख़त्म हो गई है, ईमानदारी ख़त्म हो गई है, झूठ का लोग सहारा ले रहे हैं, गलत मलत चीज़ों में लग गए हैं, ये वो चीज़ें, तो इस माशरे में माशरे क्या इस तरह की सोसाइटी में रहना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए जो ईमानदार हैं, लॉयल हैं और वफादार हैं, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। यकीन करें 5 साल हो गए जॉब करते हुए, सच्चाई ईमानदारी वफादारी का रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे, भाई उमर फहीम खड़ा तो खड़ा है, गलत बात को तो मैं मरते दम तक नहीं मान सकता ना।
सच को मैं सच ही कहूँगा, गलत को नहीं मानूंगा। यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे, प्लीज चीज़ों को समझे, गलत को गलत कहना सीखें, सच को सच कहना सीखें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि आप ये कर सकते हैं। और अल्लाह ताला खुद आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।